बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और हमारे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को अपनी रहमत में रखे। और एक छोटी सी बात के साथ आगाज़ करते हैं कि गर्मी में हम अक्सर हमें जब प्यास लगती है पानी बहुत पीते हैं, तो गर्मी में तो वैसे भी बड़ी प्यास लगती है, पानी काफ़ी पिया जाता है, लेकिन सर्दियों में हम पानी नहीं ज़्यादा पीते और वह नुकसान का बाइस बनता है, जिसकी वजह से हमारा खून ब्लड वगैरह गाढ़ा हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, अक्सर कब्ज हो जाती है। तो हम लोग सर्दियों में पानी को कम पीते हैं, तो ये है कि सर्दियों में भी पानी को कम से कम 7 से 8 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, ताकि हम अक्सर जो बीमारियां हैं, छोटी मोटी बीमारियां, उनसे बच सकें। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है सूप। सर्दियों में तो लाजमी बनाया जाता है और अक्सर लोगों को, बल्कि कि सबको ये पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो आज हम बनाएंगे चिकन सूप। और चिकन सूप जैसे मैं आपको बताऊंगी, एक एक बात क्लियर करके बताऊंगी, ताकि आपको आसानी से कल को आप बनाए तो आप बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपको बताऊँ क्या चीज़ें इसमें शामिल होंगी चिकन सूप में। तो इसको हम ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे, ठीक है ना? तो हमने अपना सूप ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है, उसको दरमियाना रखना है, नॉर्मल, ठीक है? ये कॉर्नफ्लोर है, ज़रूरत के हिसाब से। सोया सॉस, विनीगर, चिली सॉस, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अगर आप तेज़ पसंद करते हैं स्पाइसी, तो आप अपने हिसाब से डाल लें। अगर आप कम पसंद करते हो तो आप कम डालें। तो आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यखनी बनाने के लिए हमने ये प्याज लिया है, एक प्याज का तकरीबन हमने तीसरा हिस्सा ले लिया, 3 से 4 पीस हमने ये जिंजर के लिए हैं, अदरक के, दालचीनी ली है एक अदर, और 2 पीस ये हमने लहसुन के लिए, गार्लिक। और इसके अंदर ये छोटी सी चीज़ है, ये लौंग, 2 अदद लौंग लिए, ठीक है? प्याज, लहसुन, दालचीनी, और ये हमने लिया है जिंजर, और ये हमने लिए 2 लौंग लिए, 3 अदद हमने अंडे लिए, और ये नमक है, हम ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, और ये 1/2 किलो मुर्गी का गोश्त है, चिकन है, ये 1/2 किलो जो मुर्गी का गोश्त है, इसको इससे हम तकरीबन 9 से 10 बंदों का हम सूप तैयार करेंगे, यानी कि 9 से 10 अफराद का सूप तैयार हो जाएगा 1/2 किलो चिकन के साथ। ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, ये भी ज़रूरत के हिसाब से हम डालेंगे, और ये है 2 टेबलस्पून टमाटर केचप। टमाटर केचप जो है वो ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा डालने से सूप का जो टेस्ट है वो मीठा हो जाता है। तो है सिर्फ 2 टेबलस्पून के लिए यहाँ पे, ताकि जो हमने 9 से 10 अफराद के लिए जो सूप तैयार करना है उसके हिसाब से सिर्फ इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। तो चले चलते हैं किचन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना काम। 3.5 लीटर हमने पानी लिया और उसको हमने तेज़ आंच में इसको बॉयल करना है, और इसके अंदर डाले हम प्याज डालेंगे, लहसुन के 2 पीस डालेंगे, दालचीनी का 1 पीस डालेंगे, और ये अदरक जिंजर 3 पीस इसके डालेंगे, ये 2 लौंग हम डालेंगे इसके अंदर, और इसको ये जब अच्छी तरह जब बॉईल हो जाएगा पानी, तो फिर हमने आंच को दरमियाना करने के बाद थोड़ा सा कम कर देना है, यानी कि दरमियानी आंच से भी कम, ताकि हमारा जो चिकन का सूप है ना वो अच्छी तरह बन जाए, खुशक ना हो जाए। अगर आप आंच ज़्यादा करते हैं, आग इसकी ज़्यादा तेज़ रखते हैं, तो आपका जो सूप है वो खुशक हो जाएगा, यखनी खुशक हो जाएगी, हमने इसको खुशक नहीं करना। दरमियानी जो अच्छी तरह पानी गर्म हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, दरमियानी आंच करके फिर थोड़ा सा कम कर देना है, ताकि अच्छी तरह जो सा हमारा यखनी सूप वगैरह तैयार हो। तो अब हम डालेंगे चिकन, 1/2 किलो चिकन लिया है, ये हमने लिया है देखिए, हड्डी भी है, हड्डी वाला भी है और हड्डी के बगैर वाला भी है, आपने मिक्स लेना है।
खाली ये नहीं है कि आप खाली गोश्त ले लें, नहीं, सारा जो सा टेस्ट हो तो वो होता है जो यहनी का वो हड्डियों में होता है, तो आपने मिक्स गोश्त लेना है, हड्डियों वाला और हड्डियों के बगैर वाला। अब हम नमक डालेंगे, नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, अगर नमक कम हुआ तो फिर हम बाद में और शामिल कर लेंगे। फिलहाल हम इसमें थोड़ा नमक शामिल करते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। जब तक बॉयल ना आ जाए आपने आग को ऊंचा ही रखना है, आग अपनी तेज रखनी है। अच्छी तरह बॉयल हो गया पानी, और बॉयल होने के बाद हमने अब इसकी जो आंच है उसको पहले दरमियाना करना है, फिर उसे थोड़ा कम कर देना है ताकि यखनी हमारी अच्छी तरह बने, खुशक ना हो जाए। और गोश्त उतनी देर तक आपने यखनी में गोश्त को पकाना है जितनी देर तक गोश्त गलना चाहिए। जब गोश्त गल जाएगा फिर उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो उतनी देर तक पकाना है हमने गोश्त को जितनी देर तक अच्छी तरह गलना चाहिए, और आँच दरमियाने से भी कम। और ये जो चीज़ है ना ऊपर, ये चीज़ जो है ना, ये इसको उतार दें ताकि यखनी हमारी साफ नीट एंड क्लीन हो। ये तो दरमियाना मैंने कर दिया, दरमियाने से भी थोड़ी कम कर दिया, और ये जो ऊपर है ना ये सारा, इसको सारा साफ करें। चिकन हमारा अच्छी तरह बिल्कुल गल गया, ये देखें तकरीबन इसको आधा घंटा लगा है, और आधे घंटे के बाद चिकन हमारा अच्छी तरह गल गया, और यहनी हमारी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई है। तो इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, और बाकी ये जो चीज़ें हैं, ये दालचीनी हो गई और ये अदरक वगैरह, इसको हम निकाल कर डस्टबिन में फेंक देंगे। आपने जब भी सूप बनाना है तो जब भी आप चिकन की यहनी तैयार करें तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर में ये होगा कि गोश्त तो बड़ी जल्दी गल जाएगा लेकिन यहनी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसको हमेशा आप तकरीबन 15 से 20 मिनट, वैसे भी आप इसको पकाएं तो गल जाता है बड़ी आसानी से, तो उसकी यहनी जोन से ना आप इसी तरीके से तैयार करें जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो अब हम इसके छोटे से पीसेस करते हैं, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आँच अब हम पहले इसे तेज़ करेंगे, दरमियानी आँच कर लेंगे, पहले से ज़रा तेज़ करेंगे आँच को। और ये हमने चिकन के पीसेस कर लिए, ये सारे पीसेस हम इसके अंदर डाल देंगे यखनी के अंदर। इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। चिकन हमने डाल दिया, अब हमने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, और पानी डालेंगे इसके अंदर और उसको मिक्स कर देंगे। थ्री टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया और इसको पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके यखनी के अंदर डालेंगे। इसका ये फायदा है कि जो यखनी है आपकी थोड़ी सी इसमें ग्रेवी टाइप की ये हो जाती है, और टेस्ट में भी अच्छी हो जाती है। ये भी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सूप ज़्यादा थोड़ा सा गाढ़ा हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें, अगर आप चाहते हैं पतला रखना चाहते हैं तो कम डालें, लेकिन हम यहाँ पे ना तो गाढ़ा बनाएंगे ना ही पतला बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से हमने 3 टेबलस्पून लिया, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम और भी ऐड करेंगे। थ्री टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर डाला था लेकिन अभी वो थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने
वन टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऑयल लिया, अब वो भी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, क्योंकि अभी ये सूप हमारा पतला है, हमने इसको दरमियाना बनाना है नॉर्मल। अब ठीक है, इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, और नमक मैंने टेस्ट किया था, नमक थोड़ा कम है, वो मैं थोड़ा सा शामिल करूँगी। अब इसको 2 से 3 मिनट हम इसको पकाना है। तीन अदर हमने अंडे लिए, इसमें हम शामिल करेंगे। आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि जब आप अंडे डालें तो ये उबलता हुआ पानी हो, ठंडा ना हो, तो अंडे की शेप जो है वो सही नहीं आएगी। साथ साथ आपने हिलाना है। तीन मिनट आपने इसको फिर पकाना है। अंडे डालने के बाद 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छी तरह पकाया, और अब हम लास्ट में डालेंगे 2 टेबलस्पून केचप, टमाटर केचप। ये ज़्यादा नहीं डालने क्योंकि फिर मीठा हो जाता है। मिक्स करेंगे, केचप डालने के बाद 1 मिनट हमने इसको पकाया, और अब हमारा सूप हो गया रेडी, तो चूल्हा कर देते बंद। माशाल्लाह सूप हमारा बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ इसको तैयार करने का तरीका। अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें, अगर आपको सोया सॉस ज़्यादा या कम पसंद है सोया सॉस डालेंगे, विनीगर वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से, जैसे आपको पसंद है कम या ज़्यादा। चिली सॉस, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, सूप रेडी हो गया। इसी तरह हम ये दूसरा भी तैयार करेंगे। ये वो नॉर्मल था, ये स्पाइसी। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगा। चिली सॉस भी थोड़ा सा ज़्यादा, ब्लैक पेपर भी थोड़ा सा ज़्यादा, एक हमने आपको बताया नॉर्मल, एक थोड़ा सा स्पाइसी। ये सूप हमारे हो गया रेडी। मेरी मेहनत को और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अप्रिशिएट करें और शेयर करें,
और खुश रहें और सबको खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।